चाकरी ना सर बोलंग मायंग भाई चप्रप जाग माने साल जाया साल नया साल ब्रम तामल बिसे ब्रम बबो हाइकाय पर लॉन्ग टाइम परमिशन सोलिशन नै बो बेले बेले हम भाई जत मीडिया रंग न आं मिया हरन खनाका जे चामप्लाई नि ओ जागा ताम कमिशन ग मन संप्राय पारावो संप्राय पारावो चार परिवार मिया हर चीनी बलंग मायूंग भाई नक सबाई जगह खनाका किंतु बलंग मिया हर आम फैमिलिया हाइपुन आं लगे लगे चीनी डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसर आं फोन खाइका एस डी एम फोन खाइका विडिओ फोन खाइका खाइमानी पड़े तीन आं निजी आं फाइका बरंग नाइनानी बगे बरंग टंगना चानी जत् सेवाई कलम थका नौ बरंग व्यवस्था आं खाइका तब आं निजी फाइ खाइका ते बंगनी जे मूक जे भाईमानी जत्न बंग रंगी सहाज्य खाने बरंग चाना रंग सहाज्य खाने ते पार्मेन्ट सल्यूशन खाने बगे चीनी डीएम एस डी एम फरेस्ट मिनिस्टर प्लस डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार जो साल बुति खा पार्मेन्ट सल्यूशन खाईमान जम नाइ लेख लाख बीस दिन चीनी रंग पैसा जत्न चीनी जे प्रोजेक्ट सेंशन होना मनी विशिंग जो सल्यूशन पार्मेन्ट सल्यूशन खाने नाइ कारण ओ एरिया चामप्लाई मंगिया कमी कृष्णपुर यंग उत्तर महारानी दक्षिण महारानी पूरा विलेज चीनी बलंग मायूंग अनेक जान माल खतिंखा बरक बो खतिंखा मन जो का सुनानी बगे फरेस्ट डिपार्टमेंट बो या सही दंग चीनी प्रशासन बो या सही दंग जो सही दंग मन बहाय दिन सल्यूशन खाने बगे बेले बेले हमारे सर हिंदी या तो बांग्ला में एक बार जो समस्या है ये पूरा एरिया में बहुत दिनों से चल रहा है उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या लाइन डिपार्टमेंट हो उन्होंने बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करके जो कॉम्पेंसेशन का प्रोसीजर है वो भी बहुत अभी इजी कर दिया है। पहले बहुत जॉइंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता था, अभी मैंने एस डी एफ ओ से बात करके फेब्रुवरी तक जितना भी क्लेम्स था वो सब एस डी एम ने सेटल किया है, मतलब उनको कॉम्पेंसेशन मिला है फेब्रुवरी तक। उसके बाद का जो है वो अभी जल्दी से हम जैसे एम सी सी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा उसके ऊपर हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। और हाथी का ये जो समस्या है उसके लिए हमने अभी कुछ एक महीने पहले मिनिस्टर साहब से भी, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर साहब से भी हमारा एक मीटिंग हुआ था सबका, तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे चार पांच लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें चंपलाई है, चकमा घाट है, कृष्णपुर है, महारानीपुर है, लक्ष्मीपुर है। उसमें पाँच लोकेशन में हमने एक जो फील्ड कैंप है जो स्टाफ हमारा अभी तो किलियामुरा में रहता है वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अभी हमने पांच लोकेशन सिलेक्ट किया है उसमें हम एंटी डिप्रेडेशन कैंप्स मतलब जो फील्ड कैंप है वहाँ पे सेटअप करेंगे। उसमें परमानेंटली हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ भी रहेगा और कुछ विलेज वॉलंटियर जो हमने 40 अभी काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ पे रहने का, खाने का पीने का सब व्यवस्था वहाँ पे कर देंगे, तो वो वहीं पे रहेंगे। जैसे चंपलाई है तो इसी लोकेशन पे वो पांच छह स्टाफ यहाँ पे रहेगा, जैसे ही कुछ हाथी का इन्फॉर्मेशन होगा तो वो तुरंत उसको अंदर मतलब जंगल में भगा सकते हैं। और एक हर एक लोकेशन पे वॉच टावर बनाएंगे, तो वॉच टावर से ये होगा कि दूर वाला हाथी भी हमें पहले दिख सकता है, उसके हिसाब से उसको हमने मतलब जल्दी से जल्दी उसको जंगल में हम भेज सकते हैं। यही हमारा अभी जैसे बारिश खत्म हो जाएगा ये काम हम तुरंत यहाँ पे शुरू कर देंगे। इस इनिशियली हमने तीन लोकेशन पे काम शुरू करेंगे, जैसे चंपलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद चकमा घाट और एक लक्ष्मीपुर या महारानीपुर उस साइड में एक लोकेशन वहाँ पे काम शुरू करेंगे एक दो महीने में जैसे बारिश खत्म हो जाए। जीपीआरएस का जो ट्रैक का जो हुआ था जो काम करेंगे वो कब तक हो जाएगा? एक का तो किया था, एक हाथी का किया था, एक हाथी का किया था, दूसरे का भी हमने मोती का ट्राई किया था दो महीने पहले, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हम वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। अभी फिर से हमने जो एक एजेंसी है एनजीओ है बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है उनको हमने फिर से बोला है, लेकिन ये बारिश का मौसम है इसमें हम कर नहीं सकते क्योंकि हाथी बहुत बार जंगल में चला जाता है या उसको डार्टिंग करने के बाद वो जंगल में भाग जाता है, तो हमें वो जो कॉलर डालना है उसमें जीपीएस तो वो मुश्किल बहुत होता है, तो बारिश के बाद ही वो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे उसको करने के। अभी कितना हाथी ये काम कर रहे हैं जो जंगल में? अभी तो जो जंगली हाथी है वो 18 से 20 जंगली हाथी है, 20 हाथी होगा उसमें। अभी क्या हो रहा है कि उसमें तीन चार ग्रुप बन गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, इसके कारण ही हमने वो पांच लोकेशन मतलब ये सिलेक्ट किया है। उसके कारण हमारा स्टाफ यहाँ पे रहेगा तो हर एक लोकेशन पे हम उसको ड्यूटी मतलब अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा की कारण नमस्कार सांबादिक बंधुदेरके
আমি গতকালই শুনেছি, গতকাল রাতে শুনেছি আমার পূর্ব লক্ষ্মীপুরে চাম্পলাইয়ে চার পরিবারের জঙ্গলি হাতি চার পরিবারের লোকসান করেছে, ঘর বাড়ি লোকসান করেছে। আমি কালকে রাতে আসতে পারি নাই, কিন্তু আমি ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসারকে আমি ফোন করেছি। আজকে আমি সকাল মানে আজকে এসেছি আমি তাদের দেখার জন্য। তারা একটা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে ক্যাম্প হয়ে ক্যাম্প করে রেখেছে, তাদের সব ব্যবস্থা করে দেব সরকারিভাবে, এবং আমিও নিজে সাহায্য করেছি। আর এক পরিবার কৃষ্ণপুরের মধ্যেও গতকাল রাত্রে পাঁচ পরিবারের লোকসান হয়েছে, কৃষ্ণপুরের মধ্যে লোকসান করেছে। এখানে আমি নেক্সট যাব কৃষ্ণপুরের মধ্যে। আমরা দেখছি এই জঙ্গলে হাতিকে কীভাবে আমরা এই এটাকে আমরা পাবলিকের যে ক্ষতি করেছে এটাকে কীভাবে আমরা রুখা যায়, তার জন্য আমরা অনেক এক মাস আগে আমি মিটিং করেছি। আমি অনিমেষ বাবুর সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি, পিসি সাহেব এবং ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার, ডিএম সাহেব, এসডিএম সাহেব সব মিল লাইন ডিপার্টমেন্ট মিলে এই এসডিএম অফিসে মিটিং হয়েছে। জলদি আমরা রিমুভ করবো এটাকে। আমরা দেখছি এই বৃষ্টি শেষের পরেই আমরা যে আমাদের যে লোকসান করে মানুষের জন্য লোকসান করে এটা আমরা দেখছি। ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে কথা বলে আগামী দিন আমরা এটাকে আমরা এই মানুষের যেমন জানমাল ক্ষতি না হয় তার জন্য আমরা কাজ করবো।